हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बिल्डिंग में सप्लाई जो आता है एसी के लिए, हीटर के लिए या लाइटिंग के लिए या जितने भी इक्विपमेंट लगा रहता है, वो जो पावर आता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारे रूम के अंदर आता है या कोई इक्विपमेंट मोटर वगैरह लगा है, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह है या जो भी इक्विपमेंट लगा है, उसका जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि पावर जो होता है मेन डीबी से डीबी तक कैसे आता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, मैं आप लोग को पूरा दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एमबी रूम है, यानी मीडियम वोल्टेज रूम है, एमबीडी रूम है। यहाँ से पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले जो पावर आता है वो ट्रांसफार्मर से आता है। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा है इनडोर ट्रांसफार्मर है, जो लॉक रहता है, जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट होता है वो लोग खाली ओपन करता है, वो अलाउ नहीं होता है। कभी कभी अगर वो लोग आते हैं तो हम लोग भी उन लोग के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि वो लॉक रहता है, किसी में कारण से इंस्पेक्शन वगैरह रहता है या कोई उसमें मेंटेनेंस वगैरह रहता है, तो उस टाइम पे वो ओपन होता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के छोड़ के, यानी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आएगा उसके बाद देखेंगे एमडीबी जो होता है, वहाँ सबसे पहले जो पावर आता है मैं आप लोग को पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये जो है एमडीबी का जो रूम है, यहाँ पे जितने भी एमडीबी लगा हुआ है इस बिल्डिंग का, यहाँ पे है और एक और रूम है उसमें है, तो दोनों में सेम इक्विपमेंट लगा हुआ है। मैं आप लोग को इस रूम का पूरा डिटेल दिखाऊंगा, फिर आपको एसएमडीबी में जो एमडीबी हो गया फिर डीबी हो गया, उसका मैं पूरा फुल डिटेल से दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है। तो मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में पूरा इक्विपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आप लोग है एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एसीबी है, जितना भी एसीबी है एयर सर्किट ब्रेकर है, आप लोग देख सकते हैं कि पैनल में इधर भी एसीबी लगा हुआ है। तो ये जो एसीबी है, जो ट्रांसफार्मर से पावर जो आया है इसी एसीबी में डायरेक्ट कनेक्टेड है। सबसे पहले ये जो है एसीबी जितना भी है इसमें ट्रांसफार्मर 1, 2, 3 करके ऐसे क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी एक ट्रांसफार्मर का पावर एसीबी में आया, फिर दूसरे एक और ट्रांसफार्मर है उसका ये जो है इसमें आया हुआ है, ये एसीबी में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक एसीबी है जो ट्रांसफार्मर 2 से पावर आया हुआ है। तो जितना भी ट्रांसफार्मर होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस ट्रांसफार्मर का सबसे पहले जो पावर आता है एसीबी में आता है, मीडियम वोल्टेज में आता है। कहीं कहीं पे अगर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है तो पीसीबी भी लगा रहता है, तो वो लोड के हिसाब से लगा रहता है। तो एसीबी जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एसीबी ये 2500 एम्पियर का है, तो इस पे लिखा हुआ है, तो ये 2500 एम्पियर का है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये एसीबी जो है ये भी 2500 एम्पियर का है। तो लेट एसीबी जो होता है वो लोड के हिसाब से लगा रहता है, कहीं भी से भी लगा रहता है, तो वो डिपेंड करता है लोड पे। तो मोस्टली आप लोग को अगर मीडियम वोल्टेज जो पावर होता है तो वहाँ पे आप लोग को ये एसीबी मिल जाता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी जो होता है, रेटिंग जो होता है 1000 से लेके ये जो होता है 10000 तक लोड तक एम्पियर तक ये मिलता है। तो एसीबी से पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसमें ये अभी पूरा कवर है, यहाँ पे पूरा बस बार से ये जो है जितना भी ये एसीबी वगैरह है ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं एक मीटर लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो मीटर है उसके लिए ये यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर है, और करंट के लिए मेजर करने के लिए मीटर है, और वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, जो मल्टीफंक्शन मीटर होता है, जो आप लोग को पता होना चाहिए। ये मल्टी फंक्शन मीटर जो होता है ये क्या होता है, एक ऐसा मीटर होता है जिसमें एम्पियर, लोड, केवीए, केवीआर, फ्रीक्वेंसी, वाट जितना इसमें आप लोग देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये अल्ट फॉल्ट रिले है, जो इसमें इस पैनल में अगर अल्ट फॉल्ट रिले जो है इस पैनल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई फॉल्ट वगैरह होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो होता है कंट्रोल सेक्शन के लिए है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट ब्रेकर क्लोज है, ओपन है, हीटर वगैरह है, सर्किट ब्रेकर ओपन है, ये है, और रिमोट ऑटो का है, यहाँ ऑप्शन है हीटर का भी, ये जो है ऑन ऑफ करने का, ये जो है एक आप लोग देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। तो पैनल में हीटर वगैरह भी लगा रहता है, और आप देख सकते हैं यहाँ से फिर पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ से क्या होता है, यहाँ एमसीसीबी लगा रहता है, यहाँ से एसएमडीबी में अलग अलग, ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है अलग अलग, यहाँ से एसएमडीबी में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें बस बार वगैरह लगा रहता है, जितना भी है ये बस बार लगा रहता है इसमें, यहाँ से क्या होता है एसएमडीबी वगैरह में और एमसीसी पैनल वगैरह में यहाँ से पावर जाता है। और जो देख सकते हैं ये जो है एटीएस है, तो एटीएस आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। एटीएस जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। तो एटीएस क्या करता है, एटीएस का बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें क्या होता है दो सोर्स कनेक्टेड रहता है, और दो सोर्स कनेक्टेड रहता है और वो क्या करता है एक आउटपुट देता है, यानी इसका आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में भी क्या है, इसका दो इनपुट रहता है एक आउटपुट रहता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि या ये यूज किया जाता है जहाँ पे डीजी वगैरह लगा रहता है, या दो ट्रांसफार्मर का सोर्स होता है और एक आउटपुट होता है, चाहे डीजी लगा रहेगा तो डीजी अगर पावर जो ब्रेक हो जाता है एक
ट्रांसफार्मर जो मेन लाइन है उसका पावर जो होता है ब्रेक हो जाता है, डिस्कनेक्ट होता है किसी कारण से, तो रुकावट के कारण क्या होता है वो डीजी जब बैकअप के लिए यूज किया जाता है तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक डीजी को ऑन करता है और डीजी से कनेक्ट होता है। अगर दो ट्रांसफार्मर लगा है एक फेल हो गया तो दूसरा, एक फेल होते ही दूसरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है यानी बैकअप के लिए यूज किया जाता है कि ये ऑटोमेटिक जब एक पावर फेल हो दूसरा इसे कनेक्ट हो जाए। तो ATS का काम यही होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एक ACB लगा हुआ है एयर सर्किट ब्रेकर, और ये ट्रांसफार्मर का सोर्स है और ये DG का सोर्स है, ये DG का ACB है और ये जो है ट्रांसफार्मर का है। तो क्या होगा अगर ये ट्रांसफार्मर का पावर ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये DG ऑनलाइन आएगा और DG से ये सोर्स लेके क्या करता है आउटपुट देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये DG के लिए पूरा कंट्रोल वगैरह लगा हुआ है कि पूरा इंडिकेटर है, अभी पावर इसमें नहीं है कि DG ऑफ है, इसके लिए ये नहीं है, जब पावर ब्रेक होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन आएगा। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा पावर आप लोग देख सकते हैं, इस पर टैग लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे ऐसे बस बार लगा हुआ है और बस बार और इसके अंदर MCCB लगा हुआ है। MCCB जो है क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी MCCB लगा हुआ है, तो ये भी लोड के हिसाब से ये लगा रहता है। तो ये यहाँ जितना भी ये आप लोग को दिख रहा है ये जो बॉक्स टाइप का है सब में MCCB लगा हुआ है और अलग अलग यहाँ से पावर जा रहा है। जैसे ये देख सकते हैं कहीं पे इसमें क्या है SMDB में जाता है, नहीं तो MCCB पैनल में जाता है। अगर मोटर वगैरह लगा रहा है तो MCCB पैनल में यहीं से जाता है, और कहीं कहीं अगर इसके नियर बाय में इन्वर्टर वगैरह लगा हो बड़ा बड़ा तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत ही ईजिली, नहीं तो बहुत जगह SMDB से भी पावर जो है बड़ा बड़ा मोटर वगैरह है तो कुछ जाता है, लोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर इसके आसपास में कोई बड़ा इक्विपमेंट है तो यहाँ से पावर चला जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैं आप लोग को क्लियर दिखाने वाला हूँ। ऐसे ही पूरा ये जो है ये जितना भी बॉक्स है ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मैं आप लोग को, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं MCCB लगा हुआ है। अब इसका मैं जो ये केबल कनेक्टेड है मैं इसको भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। करते हैं ये जो है बस बार से ये आउटपुट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से ये जो है MCCB आप लोग देखें, जैसे पहले आप लोगों को मैं दिखाया जो MCCB जो है वो जो है बस बार से कनेक्टेड है और फिर ये आउटपुट में ये जो जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी MCCB जो मैं आप लोगों को दिखाया यहाँ से अलग अलग जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं जो है आप लोग देख सकते हैं लग लगा हुआ है और लग लगा के इसको टाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लग्स लगा के इसको पूरा फुली टाइट किया जाता है ताकि स्पार्किंग वगैरह नहीं हो। तो अगर कहीं भी आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग को ये लग वगैरह रहता है या कहीं भी आप टर्मिनेशन कीजिए तो फुली टाइट कीजिए ताकि क्या होता है कि स्पार्किंग से बचा जा सके और उसे कोई डेंजर ये ना हो, खतरा ना हो, इक्विपमेंट ना चले। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है कि आप कोई भी इक्विपमेंट का टर्मिनेशन करें या लग वगैरह लगाए तो फुली टाइट होना चाहिए और उस पर प्रॉपर जो है इंसुलेशन आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छा से लगाया हुआ है। तो यहाँ जितना भी है पूरा ऐसे सेम कनेक्टेड है। तो मैं इसको अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ से पावर जो है कैसे, अभी और जो इक्विपमेंट है उसको भी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पावर फैक्टर करेक्शन मीटर है, तो पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यानी इंप्रूव करने के लिए ये पावर फैक्टर का पैनल लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कैपेसिटर बैंक लगा रहता है, तो देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपेसिटर बैंक लगा रहता है। ये क्या करता है कि जो बिल्डिंग में क्या होता है कि मोटर लगा रहता है जहाँ पे भी वाइंडिंग लगा रहता है, फैन वगैरह हो गया, मोटर हो गया, यानी जो भी इक्विपमेंट है जिसमें क्या होता है वाइंडिंग लगा रहता है उसमें क्या होता है कि पावर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट होता है। तो रिएक्टिव पावर जनरेट होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो ख़राब होता है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कि हमारा जो इफिशियंसी पावर फैक्टर क्या है इफिशियंसी है, तो हमारा जो रिएक्टिव पावर होता है उसको यूज़ करने के लिए, उसको रिएक्टिव पावर को कैंसिल करने के लिए यानी इंप्रूव करने के लिए जो पावर फैक्टर जो होता है उसको इंप्रूव करने के लिए पावर फैक्टर को करेक्शन लगा रहता है। जो आप लोग देख सकते हैं यह पावर फैक्टर पैनल है और ये जो है ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगा रहता है जो क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है और जो हमारा पावर फैक्टर जो होता है जो रिएक्टिव पावर उसको कैंसिल करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है उसी का कंट्रैक्टर है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पावर फैक्टर जो है उसका ये फ्यूज लगा है, HRC फ्यूज है यहाँ पे। तो पावर जो होता है वो कैपेसिटर बैंक से जो पावर आता है कैपेसिटर बैंक में पहले फ्यूज में आता है, फिर यहाँ से कंट्रैक्टर से कनेक्ट होकर कैपेसिटर बैंक में जाता है और वहाँ एनर्जी स्टोर किया जाता है और इसका प्रोसेस होता है ये पावर को इम्प्रूव करता है। तो आप लोग ऐसे यहाँ से देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे बहुत से कैपेसिटर बैंक लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं लोड के हिसाब से कैपेसिटर बैंक लगा रहता है कि कितना हम लोग को पावर इंप्रूव करना है, और जितना लोड रहता है ज़्यादा उतना कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है। तो इससे हमें फ़ायदा होता है कि जो पावर फैक्टर है इंप्रूव होता है और जो बिल्डिंग में लॉस वगैरह जितना भी होता है वो पूरा मेकअप हो जाता है। तो पावर फैक्टर का मेन यूज़ यही होता है, तो लगभग आप जहाँ भी जाएंगे तो पावर फैक्टर करेक्शन जो है वो लगा रहता है। तो ये जो हो गया पावर फैक्टर करेक्शन हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये जो है आउटपुट गया हुआ है और यहाँ पे ट्रे वगैरह लगा रहता है, आप देख सकते हैं ट्रे के
थ्रू ये जो है बिल्डिंग में जा रहा है, ये जो है दूसरे एरिया में लोकेशन में जा रहा है, अलग अलग लोकेशन में। फिर मैं आप लोगों को दिखाने वाला रूम में, ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये UPS का बैटरी रैक है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे एक UPS भी लगा है। तो UPS का काम क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ये क्या करता है, जब पावर हमारा लॉस होता है जो बिल्डिंग का, अगर मान लीजिए सप्लाई जो लॉस होगा तो UPS से बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, इसका यूज़ होता है डाटा वगैरह में, जहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, जैसे सर्वर रूम हो गया या कंट्रोल रूम हो गया, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल का कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो रहता है, जिसमें बहुत ही उसमें जो पावर है, अगर सेकंड के लिए भी अगर इंटरप्ट होता है, एक सेकंड के लिए बंद होता है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे UPS यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये जैसे पावर करता है 0.3 सेकंड के अंदर में ये क्या करता है, बैकअप दे देता है, यानी जो इक्विपमेंट रहता है उसको पता भी नहीं चलता है कि पावर कटा है कि नहीं कटा है, ये इतना फास्ट काम करता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। DG वगैरह भी लगा रहता है, तो DG का काम ये रहता है कि DG मान लीजिए कि उसको स्टार्ट होने में कुछ टाइम लग जाता है, लगभग 30 सेकंड टू 50 सेकंड लग जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, ये यूज किया जाता है कि पावर लॉस ना हो, जो हमारा डेटा जो है वो लॉस ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, UPS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका यूज ये इसीलिए यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर लगा हुआ है इसी रूम में, तो इन्वर्टर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अभी 135 वोल्ट इसमें पावर है, तो इन्वर्टर के लिए भी रैक लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सी बैटरी का रैक लगा हुआ है, तो देख सकते हैं 400 वोल्ट ये जो है यहाँ पे यूज हो रहा है इन्वर्टर जो है, इसके लिए कुछ इमरजेंसी लाइट वगैरह के लिए यूज किया जाता है कि अगर पावर नहीं है तो इमरजेंसी लाइट जो है वो चालू रहे। तो इसके लिए क्योंकि DG भी चलता है, तो DG भी है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो DG अगर चलेगा तो उस टाइम भी ये बैकअप देगा, अगर इनकेस कुछ फेलियर हो जाता है DG में भी, अगर मेन पावर भी गया तो DG में भी कुछ टाइम तक ये बैकअप देगा, तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, इसका की मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं इसको ओपन करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको आप लोग को क्लियर दिखा देता ओपन कर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक DG लगा हुआ है, क्यूमिन का DG है, जो 1500 किलोवाट का है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ये DG है, अगर पावर जो हमारा इंटरप्ट होता है तो ये DG है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ऑनलाइन में आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंजन का डिटेल वगैरह पूरा लिखा हुआ है, अगर आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ये जो है मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक DG लगा हुआ है, तो लगभग आप कहीं भी जाएंगे, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा चाहिए, वहाँ पे आप लोग को DG मिल जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो DG आप लोग देख सकते हैं, ये क्यूमिन का DG है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, इससे ये जो है बहुत ही स्मूथली चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं DG वगैरह लगा हुआ है, अब मैं दिखाने वाला हूँ कि SMBB जो है उसमें पावर कैसे जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कुछ लाइटिंग का केबल गया हुआ है, यहाँ पे एक SMBB लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है SMBB है, ये जो है पूरा एग्जॉस्ट फैन के लिए लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये SMBB है। तो SMBB क्या होता है, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आप लोग देखें कि ये जो है पावर कहाँ से आया, मेन DB से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें पावर जो है मेन DB से आया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है दो मेन इनकमिंग आ रहा है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट जा रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, यहाँ पे कितना आउटपुट जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है दो इनपुट है, और यहाँ से बहुत से आउटपुट जा रहा है, एग्जॉस्ट फैन के लिए, कुछ लाइटिंग वगैरह के लिए यहाँ से जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन से MCCP लगा हुआ है, मैं आप लोग को ये भी ओपन करके दिखाने वाला हूँ जो इनकमिंग का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेन इनकमिंग जो है आ रहा है, दो केबल जो है ये MCCB में लग रहा है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये बस बार से कनेक्टेड है, और बस बार जो है आप लोग देख सकते हैं ये नीचे आके दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी दोनों है, ये जो MCCB का माउंटेन प्लेट है इस पर ये जो है बस बार, आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे तीन इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और तीन इधर भी, और ये तीनों जो है आप लोग देख सकते हैं माउंटेन प्लेट जो है आप लोग देख सकते हैं बस बार से कनेक्टेड है, यहाँ पे कॉर्नर में आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बस बार से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से केवल आउटपुट हो रहा है, इधर क्या है बस बार कनेक्टेड है, ये माउंटेन प्लेट जो है इसमें बस बार से कनेक्टेड है, और यहाँ से ये जो है आउटपुट जा रहा है, देख सकते हैं केवल ट्रे के थ्रू, आप लोग देख सकते हैं बहुत से केवल जो है ये जो है बाहर गया हुआ है SMBB वगैरह में, और MCCB पैनल जो है उसमें गया है, मैं आप लोग को पूरा दिखाने वाला, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये SMBB है, और यहाँ पे भी SMBB लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दो इनपुट है और आउटपुट यहाँ पे जा रहा है, तो SMBB आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है मेन इनकमिंग आता है, फिर यहाँ से अलग अलग DB वगैरह में, मोटर वगैरह में, एग्जॉस्ट फैन वगैरह में, या बड़ा बड़ा जो इक्विपमेंट कुछ रहता है उसमें जाता है, क्या होता है SMBB से डायरेक्ट पावर लिफ्ट वगैरह में जाता है या DB वगैरह में जाता है, मैं आप लोग को डिटेल से दिखाने वाला हूँ।
और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है SMDP लगा हुआ है, लोग देख सकते हैं बहुत से SMDP है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ से जो पावर जो केबल आया है वहाँ से देख सकते हैं, ये ट्रे के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ये जो है लोग यहाँ से इनकमिंग जो है ये SMDP में आ रहा है। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी जो SMDP दिखाया यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट है और ये जो है आउटपुट का जा रहा है, इस पर लिखा रहता है, इस पर क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, ये है क्या है MTB MB1, यानी ये जो है MB1 है, यानी मेन डिस्ट्रू ये जो MB1 से आया हुआ है, यानी ये MB1 का मीडियम वोल्टेज रूम से आया हुआ है और SMDB है इसमें आया हुआ है। तो ये टैग लिखा रहता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको डिटेल में SMDB के बारे में मैं बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये टैग आया हुआ है। तो यहाँ से फिर आप लोग देख सकते हैं ये जो है DB में आ रहा है, मैं ऑलरेडी SMDB और DB पे वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग को डिटेल में अगर जानना है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं DB जो है, यहाँ से मैं ओपन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ, लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है DB है और DB में ये जो है MCB वगैरह लगा रहता है, तो MCB या MCBU या ELCB वगैरह लगा रहता है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये लाइटिंग कंट्रोल के लिए LRP पैनल है, LCP है लाइटिंग कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ऑटोमेटिक लाइट को स्विच ऑफ और ऑन करा सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे पैनल लगा हुआ है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये DB से पावर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है इसी DB से गया हुआ है। तो ये फाइनली जो होता है छोटे छोटे इक्विपमेंट के लिए DB लगा रहता है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ बड़े बड़े जो इक्विपमेंट होता है उसका डायरेक्टली जो होता है SMDB से पावर जाता है या डायरेक्ट MDB से भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर SMDB से जाता है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये MCC पैनल है, यानी ये SMDB जैसा ही होता है, ये मोटर के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ से क्या है एक इनपुट है और यहाँ पे 3 आउटपुट है, 3 मोटर के लिए अलग अलग आउटपुट जा रहा है, तो इसके लिए ये यूज किया जा रहा है। तो ये SMDB जैसा होता है सेम से। और इसमें जो है पावर जो है वो कहाँ से आ रहा है, MDB से, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है, MP पैनल से आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका एक इनपुट है और आप लोग देखें कि इसका 3 आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ से आउटपुट होकर VFD पैनल में जा रहा है और VFD पैनल से मोटर में जाएगा, VFD में कंट्रोल के लिए जा रहा है। अगर कहीं पर VFD नहीं लगा रहता है तो MCC पैनल से जो होता है वो पावर जो होता है मोटर का एक पैनल होता है, लोकल पैनल होता है, उसमें जाएगा, फिर वहाँ से जो है पावर जो है मोटर में जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पूरा प्रोसेस पता चला होगा कि कैसे पावर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें अलग अलग इक्विपमेंट में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोड के हिसाब से पावर जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग पैनल होता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।